हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हमें करनी थी शॉपिंग, तो हम निकल पड़े हैं राजीव चौक की तरफ। और हम आ गए हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरे लिए सबसे सही मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक आने का। ये है राजीव चौक की गली और मेरी फ्रेंड लाल किला को निहारते हुए, उसे इतना ब्यूटीफुल लगता है वैसे ये लाल किला। और सामने है हमारा गौरी शंकर का मंदिर, वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेस इन राजीव चौक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचे अपने डेस्टिनेशन, जहां हमें लेना था लहंगा। तो हम लहंगा देख रहे थे, एक शॉप मिली जहां से हमने लहंगा लिया, उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज थी, तो हमने वहां से एक लहंगा कन्फर्म किया और उससे बनने के लिए दे दिया, जो कि वो हमें 2 घंटे बाद मिला था। हमारे पास 2 घंटे का टाइम था और हमें करना था राजीव चौक में 2 घंटा टाइम पास। तो हम वो करते करते मैंने सोचा कि हम कराते हैं कुछ टेयरिंग का। मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए राजीव चौक की गलियों में, पहुंचे एक ज्वेलर की शॉप जहां पे मेरी फ्रेंड ने कराई नोज पियर्सिंग, वो भी इतनी बड़ी होने के बाद। उसका फेस एक्सप्रेशन देखने लायक था, उसको दर्द हुआ था बट शी इज़ हैप्पी, क्योंकि उसको बहुत लंबे समय से पियर्सिंग करवानी थी और वो बहुत सारी चीज़ें सोचकर पियर्सिंग नहीं करते, बट फाइनली हो गया। देन हम वापस से निकले वेल्ले होने के बाद, अब सोचा अब का टाइम पास करें। देन हम गए गुरुद्वारा, गुरुद्वारों में हमने मत्था टेका बाबा जी का और लिया उनसे आशीर्वाद और खाया कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद खाने के बाद हमें लगी और जोरों की भूख, तो हम पहुँचे यहाँ। और यहाँ पे हमने खाया मसाला डोसा, चाय एंड पाव भाजी। देन हम वापस निकले अपने लहंगे के शॉप की ओर, ताकि हम अपना लहंगा टाइमली कलेक्ट कर सकें, और काफ़ी टाइम भी हो रहा था। ये है मेरा लहंगा, जो कि बनने के बाद कुछ ऐसा था। जिसे आप फाइनल लुक देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं ये लहंगे का फाइनल लुक आपको दिखाने को मिलेगा। वैसे तो ये लहंगा काफ़ी रॉयल लुक का लहंगा है, जो कि हमें मिला है 5000 रुपीज़ में। और देन हम पहुँचे एक शॉप जहाँ से मैंने शूज़ लिया था अपने लिए। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हम पहुँचे गौरी शंकर के मंदिर, जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ। वहाँ पर हमने किया शंकर जी के और गौरी माता का दर्शन, उसके साथ साथ तमाम देवी देवताओं का दर्शन। मंदिर में इतना सुकून है कि आप जा कर के आपको लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठ सकते हो। एक ही मंदिर में तमाम देवी देवताओं का दर्शन, वो आरती की वो पाठ, वो सारी एमेंस सुपर एक्सपीरियंस था मंदिर का। मैं जब भी आती हूँ वहाँ हमेशा जाती हूँ। और मंदिर इतना बड़ा है, मंदिर के बैक साइड है एक शिव जी की बड़ी भव्य प्रतिमा। मंदिर से निकलते ही हमने देखा कि शाम हो चुकी है और हमारा पूरा दिन राजीव चौक में ऐसे गुजरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।